सत श्री अकाल सारिआं नूं। प्लीज़ साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब जरूर करियो ते कमेंट भी जरूर करियो। श्री पाल जी की बड़ी दिली तमन्ना वा कि तुसीं इहनां नूं जरूर कमेंट करिया करो। श्री पाल जी ने अज तो हफ्ता पहला एक वीडियो बनाई सी, वो कहिंदे अंडरपास विच गारबेज बहुत हैगा। ठीक है, कदे कोई चीज़ हो जाती आ, बनती चीज़ दे विच माड़ी मोटी कोई फॉल्ट आ जाती आ, लेकिन अज हफ्ते बाद उहदा की हाल आ। मैं अखबार च पढ़िया सी, मैं श्रीपाल जी नूं कॉन्टैक्ट किया, मैं श्रीपाल जी आओ तुसीं मेरे नाल, तुसीं खबर लाई सी अज आपां देख के आउने आ, आ जाओ। असीं पखोआ रोड ते बणदे फ्लाईओवर दे नाल आ, इत्थे अंडरपास बन रहा वा। श्रीपाल जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ थले पूरा सीवरेज का पानी भरिया सीगा, हुण सारा साफ आ। हुण दसो श्रीपाल जी, सरकार काम करदी कि नहीं? नहीं करती है, जब उनको समझ आती है। झटके झटके च करदी है, बाकी और दुकान है कितनो फ्लाई ऊपर चढ़ूगा, कितनो लेयर वैली दा खत्म हो गया। और देखिए खत्म नहीं हुई, लेजर वाली नु कवर करना, दोबारा बन रही है। चलो ठीक है, वो कहते दोबारा कवर करते हैं। और देखिए उधर भी काम चल रहा है, उधर का कैमरा उधर लगाते रहे तू यार। वो देखिए जहाँ पर काम चल रहा है, ये फ्लाई ओवर का, ये तीर्थ गरेवाल जी कहते हैं कि जहाँ सब सफाई हो चुका है, मेरे को जहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि हम तो एक बार जब वीडियो बनाकर चले जाते हैं दोबारा नहीं आते। तो लेकिन तीर्थ गरेवाल जी कहते हैं कि जहाँ पर गंदगी वगैरह तो कोई है नहीं, तो झूठ बोलता था, जहाँ पर सब सफाई है। तो मैंने कहा भाई झूठा साबित करने वास्ते कि बहुत बड़े पत्थर से साजिश हो रही है, बस यानी कि हम जो कुछ करके जाते हैं अगले दिन वहाँ दिखाई नहीं देता। बड़ी यार हैरानी की बात है। चलो देखिए उधर दिखाइए, क्रेने लगी हुई हैं जहाँ पर अरे अरे अरे, जैसी मशीन लगी हुई हैं, जनरेटर हैं जहाँ पर, बड़ी जोर शोर से फ्लाई ओवर चल रहा है, सरकार काम कर रही है, जनता सो रही है, और जनता तब जागेगी जब सब कुछ सही हो जाएगा, जहाँ पर चलने लग जाएगा ट्रैफिक। तो अभी तो जनता धक्के खा रही है, कहीं फ्लाई ओवर बन रहा है, कहीं अंडर ब्रिज बन रहा है। और देखिए जब बन के तैयार हो जाता है तभी पता लगता है कि कुछ हुआ है। और देखिए आप भी हैरान होंगे कि ये अंडर पास है, जैसे दिल्ली एम्स में है वैसे ही साफ हो गया। जहाँ पर पहले बहुत पानी भरा हुआ था, यहाँ पर तो पूरा सतलुज लगा हुआ था, वाटर प्रूफ हो गया। हाँ बिल्कुल, वाटर गायब कर दिए लोगों ने। और देखिए वहाँ दूर तक देखिए यार, लुधियाना का नज़ारा दिखा दे यार। हाँ देखिए मैप नहीं है, नहीं तो जरा मैप थोड़ा मिल जाए ना, जो ये चीज़ बना रहे हैं वो एड्डी सोहनी है पुछो ना, लेकिन प्रॉब्लम की है लोगों की। हुण इत्थे मोड़ जाऊगा, देखो आ मोड़ देख रहे हो। हाँ हाँ इधर देखा, उधर दी गड्डियां ने अंदर, इधर से गड्डी अंदर आएगी, ठीक है ना। इधर जानूआ, इधर जानूआ, हुण कोई शराब पीती ने 80 किलोमीटर ते गड्डी लेके सरकार की करे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा डेंजरस भी होगा, खतरनाक भी होगा, कोई बात नहीं। खतरनाक है नहीं, लोगों ने बना देना है, बस 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 बस। हजे मैं पूरा शोर है, हजे बनते बनते दो तीन गड्डियां दे च बढ़ भी जानी है, लोगों ने कहना साथ चालू हो गया है। कोई रात को खाई भी होती है तो बंदे का पता नहीं लगता है वेके तरह से पुल जे पूरा बनया थी, लोग उतरते चढ़ी जाते थे। तो देखिए जहाँ पर ये बन रहा है, तो हमने आज आपको दिखाया कि ये जो अंडर ब्रिज काम करती है, काम करेगी, काम होगा, लेकिन थोड़ा सा कहते पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखो यार, हमको कोई तैयारी तो कर लेने दो। तैयारी होगी भैया, पुल बन जाएगा, नीचे से जाने लग जाना। किसी का फोन आया कि आपने जिनकी खबर लगाई बड़े खतरनाक लोग हैं, मैंने इनको बोला यार आपने गलत किया क्या है, हमने तो दिखाया था यार, जल्दी करो। तीसरे दिन अखबार में खबर आ गई, चौथे दिन सारा साफ हो गया, देखो सारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्कुल जी, सब साफ, सब सही हो गया यार, हमको क्या चाहिए। हम लोग वो जिन्हों एक कहते थे, एक कहते कि यार वो जिन्हों इन्हों क्या क्या कि वो खतरनाक बंदे ने, उन्होंने क्या एक ब्लैकमेलर ना ना ऐसा कुछ करते नहीं जनाब। इतना जो हमें चलते चलते दिखता है भाई, दिखा देते हैं यार, है पानी का ये टैंकर है, आप दिखाओ ना, मैं आपको वो जहाँ सरिया लगा दिखाओ ना, देख लो यार, कैमरे की नज़र है, जहाँ जाएगी आप देख लो। आप ही का शहर है जी, आप ही का फ्लाई ब्रिज, आप फ्लाई ओवर है, ये अंडर ब्रिज भी आपका है। हम तो वैसे काम खाई इसमें फंस जाते हैं आगे, छोटे भाई हैं। दिल्ली में भी काम जैसे रुकता नहीं, बस जहाँ भी रुकता नहीं है, चलेगा धीरे धीरे, मोदी का फंड बहुत आ रहा है, स्मार्ट सिटी का। हमारे भाई है बॉम्बे दिल्ली, हम वहाँ पर एक बार रोड खुद जाती है, ठीक हो जाती है, फिर खुद जाती है, फिर साड़ी रोड बसा ही चलती रहती है, चलती रहती है। देखिए भैया सोच बदलो तो समाज बदलेगा, सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, बस ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा।